सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार आज की इस शाम में हम लोग बाइबल स्टडी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे कुछ बोलने जा रहा है। हम लोग इन दिनों में भजन संहिता के 23वें अध्याय पर मनन कर रहे हैं और भजन संहिता 23 में कुल 6 वचन है। जो लोग शुरू से इन वचनों को सुन रहे हैं वे लोग जानते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इस शब्द के बोलने का मतलब ये होता है कि हे यहोवा, मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं तेरी ओबीडियंट भेड़ हूँ, मैं तेरी आज्ञाकारी भेड़ हूँ। इस रीति से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि मुझे कुछ घटी ना होगी। साधारणतः हम लोग अपने जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रार्थनाएं करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के खड़ा रहता है और वो हमें बड़ा सा कुछ देना चाहता है। और जब हम कोई छोटी सी सांसारिक चीज़ें जो नश्वर होती हैं, ऐसी चीज़ें जब मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर कितना निराश हो जाता होगा। मुझे कुछ घटी ना होगी का मतलब है जो मेरे साथ अनंत तक रहने वाली है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है। हाँ, मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को कि वो चराना वाला शब्द नहीं है परंतु बैठाता है लिखा है। और चराने में और बैठाने में क्या अंतर होता है, इन बातों को हमने देखा था। उसके बाद वो सुखदाई जल के झरने के पास में लेकर के चलता है। ये वास्तव में प्रभु यीशु को दर्शाता है जो अदन की बारी में भी था, जो सुसमाचार में सुखार के गाँव के पास में भी था और प्रकाशित वाक्य में सिंहासन के दाहिनी तरफ से जो नदी बह रही है वो ही है। और वहां पर लिखा है जो जय पाएगा उसे मैं ये जीवन के जल के सोते के पास में लेकर के आऊंगा। फिर आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे वह मेरे जी में जीले आता है, लेकिन ज्यादा ध्यान इस वाक्य पे करेंगे कि धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है मतलब मेरे जान में जान आती है। पिछली बार हमने इस वाक्य पर ज्यादा नहीं बोल पाए थे पर फिर भी मैं इस बात को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो भेड़ें होती हैं वो भेड़ों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि उनका शरीर बड़ा सा होता है और जब उनके ऊपर ऊन आने लगता है, वुल आता है, वुल आ जाने के बाद में भेड़ का साइज और भी डबल हो जाता है और अगर उसने बढ़िया खाना खा ली हो तो वो और हेवी हो जाती है। ऐसी अवस्था में मान लो अगर कोई भेड़ लेट गई और लेट जाने के बाद में मान लो उस जमीन में थोड़ी सी दरार बना लेते हैं। जिन लोगों के घर में डॉगी होगा या बिल्लियां हैं आपने देखा होगा कि वो अपने आप को थोड़ा सा जमीन में ऐसे कुरेद कर थोड़ी सी एक जगह बना लेते हैं जिसमें अच्छे से फिट हो जाए। पर भेड़ के लिए ये मौत को न्योता देना होता है और जब भेड़ अपने आप को बैठा देती है और लेट जाती है और लेटने में भी जमीन में थोड़ा सा हल्का सा एक कॉनकेव यानी गड्ढा सा आ गया और उसमें रह जाती है, तब उसके पांव चारों के चारों ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा, हम लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने शायद ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप में से जो लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं या वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं आपने देखा होगा कि ऐसे कई भेड़ों की दशा देखने को मिलती है जो पड़े पड़े मर जाते हैं। जब कोई भेड़ लेट जाती है और अपने पीठ के बल चली जाती है और उसके पांव हवा में आ जाते हैं, उसके शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसको पलटने नहीं देता। शायद हमने शहरों में कॉकरोच को देखा होगा, अगर कोई कॉकरोच उल्टा पड़ा है तो वो बहुत समय तक वैसा ही पड़ा रह जाता, वो अपने पाँव को बहुत सारा हिलाता है और कोशिश करता है पलटने की इधर से उधर, लेकिन हो नहीं पाता है जब तक कि आप उसको कोई तिनके का सहारा दे करके उसको पलटा ना दो। उसी तरह से जो भेड़ें होती हैं, भेड़ें भी क्या करती हैं, कोशिश करती हैं और वो जितना कोशिश करती हैं अपने पाँव को चलाती हैं उतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाती हैं, जैसे कि मानो दलदल में फंसने के बाद इंसान जितनी ज़्यादा हरकत करेंगे उतने ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। और भेड़ उस अवस्था में पड़े पड़े जब औंधी सी पड़ी रहती है ऐसी, तब हिलाती डुलाती रहती है, उसके शरीर में पेट में उसके वायु जमा होना शुरू हो जाती है और वो मुश्किल से 2 घंटा जी पाती है।
यानी आप अंदाज लगाइए, यदि चरवाहे की नजर से ऐसी कोई भेड़ जो गिर गई हो, वो अगर चरवाहे की नजर में 2 घंटा नहीं आए तो उसकी मौत हो जाती है। आप इस बात को अपने साथ में जोड़िए, यदि आप एक ऐसी अवस्था में पड़ गए हो और चरवाहे की नजर 2 घंटे तक नहीं पड़ती है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। हम आत्मिक दशा में कई बार ऐसी ही मनमानी करते हैं। साधारणतः भेड़ खड़ी रहेगी, लेकिन जब बैठने की सोची, लेटने की सोची, औंधा होने की सोची, ये स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन में लगातार धीरे 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 गिरने के समान है। और जब गिर जाते हैं तो भेड़ें एक दूसरे की मदद के लिए जमा होकर के आवाज जरूर देती हैं, लेकिन मदद नहीं कर पा रही हैं, और भेड़ वैसी ही अवस्था में पड़े पड़े मर जाती है। यदि आप लोग ऐसे चैनल नहीं भी देखते होंगे तो इस कार्यक्रम के बाद में, आज की बाइबल स्टडी के बाद में, आप इमेज सर्च कर लेना, गूगल पर ही सर्च करना, कास्ट आउट शीप, कास्ट ऑफ द शीप, यानी एक भेड़ जो झुंड को छोड़ करके चली जाती है, एक झुंड छोड़ करके जाने वाली की कोई सहायता करने वाला नहीं होता है, और इसीलिए ये भेड़ अगर औंधी गिर गई तो फिर उसका बचाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी अवस्था में तुरंत एक चरवाहे को जा करके उसको सही तरीके से उठाने की जरूरत होती है और तब वो भेड़ बच जाती है। ये है कि मेरे जी में जी ले आता है। वास्तव में होना क्या चाहिए? पिटाई होनी चाहिए, नहीं क्या? जब बच्चा गड़बड़ी करता है और मम्मी ने देखी कि गिर पड़ा, गिर पड़ने के बाद में उठा करके पहले एक तड़ाव से देती है और फिर उसके बाद में उसको गले से लगाती है, तू क्यों गया था वहां पर, वहां फिसलन थी, वहां चोट लग सकती थी, वहां पर आग के पास में क्यों गया, कितना बुरा चटका लगा, फिर फूंकती है और प्यार करती है। तो ऐसी भेड़ के लिए सेकंड चांस होता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी देर भेड़ के लिए मृत्यु का कारण हो जाती है। और आज का वचन कहता है, यदि यहोवा को मैंने चरवाहा मान लिया है तो मैं निश्चिंत हूं कि वो मेरे जी में जी ले आता है। यानी मैं यदि मरने की अवस्था में भी आ जाता हूं तो मेरा परमेश्वर मुझको बचा लेगा। तो मेरे प्रियो, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती है, और हम प्रभु को पुकारते हैं, कई बार चलते चलते मार्ग में फिसल पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अटल है, जो वो बचा के रखता है, लेकर के चलता है। हमारा यहोवा परमेश्वर अपनी आंखों को बंद नहीं करता, अपनी आंखों को मीचता नहीं है, अपनी पलकें नहीं झपकता, वो लगातार देख रहा है, मुझको देखता, आपको देखता है कि कहीं मेरी कोई भेड़ मुझको छोड़ करके कहीं दूर तो नहीं निकल गई और वहां जा करके पलटी मार दी हो और वहां तड़प रही हो। वो दौड़ करके आता है और बचाता है। मैं एक उदाहरण पतरस के जीवन का देखता हूं। कौन बताएगा मुझको? शाद परिवार से जो जुड़े हैं, नहीं, ओके, और कौन है छोटे बच्चों में से? गुजरात से जुड़े हैं, मसी फैमिली में से ना। अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन करके मेरे प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है? आप भी नहीं देना चाहते। एक बार पतरस पानी पर चल रहा था और पानी पर चलते चलते हुआ ये कि डूबने लगा। वो क्यों डूबने लगा? क्योंकि उसने अपने प्रभु को देखना बंद कर दिया। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो मानो परमेश्वर के साथ में हमारा कांटेक्ट है, परमेश्वर के साथ में एक धागा बड़ा है और हम लोग उस धागे को पकड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखना छोड़ देते हैं तब हम पलटी मार जाते हैं, तब हम गिर पड़ते हैं, तब हम डूबने लगते हैं। लेकिन उस जगह पर देखिएगा, जैसे ही शिमोन डूबने लगा उसने प्रार्थना किया या पुकारा उसने और कहा, प्रभु मुझे बचा। एक छोटी सी प्रार्थना है ये, एंड ही सेड लॉर्ड सेव मी। और जब उसने ऐसा कहा, बाइबल में लिखा है यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ करके पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। और पतरस ने बोला होगा, तू मेरे जी में जी ले आता है, तूने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे जान में जान आ गई। मेरे प्रियो,
आप और मैं भी इस संसार में जीते हुए न जाने कितनी बार ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं जब हम डूबने पर होते हैं, जब हम बड़ी परेशानी में होते हैं, जब हम बड़ी परीक्षाओं में होते हैं, जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम खत्म हो गया सब कुछ ऐसा लगता है। लेकिन उस समय हमारा चरवाहा यदि यहोवा परमेश्वर है तो बाइबल कहती है वो तुरंत आकर के मुझको उठा लेता है और मेरी मृत्यु से मुझको बचा लेता है। अगले वाक्य की तरफ आते हैं, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बकरियों का चरवाहा या गाय बैलों का जो चरवाहा होता है वो उनके पीछे से रहकर उनको हांकता है, उनको इधर से भगाता, उनको उधर से भगाता, उनको धक्का देता है और आगे बढ़ाता है। लेकिन जो भेड़ों का चरवाहा होता है वो भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं, उसके पद चिन्हों को, और उसके पीछे 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 चली जाती हैं। बड़े विश्वास की दशा हमको दिखाई देती है भेड़ों के इसमें। तो यहां पर लिखा है वह मेरी अगुवाई करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस घटना को पढ़ता हूं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आ। मिस्र का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरे में से तू बाहर लेकर के उन्हें पहले मेरे पर्वत के पास लाना, यानी सीनाय पर्वत के पास में वो जाने वाले हैं, और फिर उसके बाद ही वे कनान में प्रवेश करेंगे जो कि हरा भरा शहर है या देश है जो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया हुआ है। तो परमेश्वर का प्रॉमिस्ड कुछ पाने से पहले हमें सीनाय के उजाले में जाकर के खड़े होना है और परमेश्वर से कुछ पाना है। और जब हम अंधेरे से निकलते हैं तब आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। जिस दिन ये लोग बाहर निकले, देखिए लाखों की संख्या में थे, कोई 20 25 या 50 लोग नहीं थे कि मूसा उनको लीडरशिप करके आगे आगे चला जा रहा, लेकिन लाखों लोग हैं और वे आगे आगे देखते जा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। मूसा को तो देख ही रहे थे सामने, लेकिन मूसा अपने आगे एक आग के खंभे को देख रहा था, और रात के समय ये आग का खंभा उनके आगे आगे चलता और दिन के समय वो बादल का खंभा होके आगे आगे चलता। और आगे आगे चलने का मतलब अगुवाई करना, मतलब लीड करना, मतलब तुम जिस रास्ते से आने वाले हो पहले मैं उस रास्ते से जाऊंगा। तो परमेश्वर स्वयं उस रास्ते से आगे जा रहा है, परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जाता हूं। एक बार और मैंने आपसे कहा था कि एक माउंटेनियर जो बर्फ के पहाड़ों पर चलते हैं वे समूह में जाते हैं, और पहला वाला व्यक्ति यानी जो लीडर होता है उनका, वो जिस बर्फ के स्थान में पांव रखता है बिल्कुल उसी स्थान में पीछे वाला भी उसी जगह पर पांव रख रख करके आगे बढ़ते हैं। इससे एक दूसरे की सुरक्षितता बनी रहती है। तो अगुवाई करने वाला बड़ी टेंशन में हो सकता है, यानी सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को तो है वो अगुवाई करने वाले को, आगे चलने वाले को। सबसे ज्यादा कठिनाई या सामने क्या होगा नहीं जानते, लेकिन अगुवाई करने वाले के कारण पीछे जितने भी लोग रहते हैं वे सब चैन से रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए यदि यहोवा परमेश्वर को हमने अपना चरवाहा माना है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। और हम यदि इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हम कई बार इस वाक्य को पढ़ते हैं, जब राजा परमेश्वर से पूछा करते, दाऊद परमेश्वर से पूछा करता कि क्या मैं युद्ध पर जाऊं, और परमेश्वर कहता है हाँ मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। यहोशू को जब प्रॉमिस दिया जा रहा था मूसा से ये काम लेकर के कि अब तू मत जा, यहोशू के हाथ में सब कुछ सौंप दे, तब यहोशू को भी परमेश्वर ने बिल्कुल यही प्रॉमिस किया था, जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसे ही तेरे साथ में रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तो आगे चलने वाला परमेश्वर है, और जब मेरे आगे चलने वाला कोई होता है तो मैं निश्चिंत रहता हूं, मैं बड़े आसानी से बड़े आराम से चल सकता हूं, हां क्योंकि मेरे आगे कोई तो भी है। लिखा है धर्म के मार्गों में, ध्यान रखिएगा परमेश्वर हमको यूं ही ऐसे ही किसी भी मार्ग पर नहीं लेकर जा रहा। आप यदि कभी कोई ऐतिहासिक स्थल पर गए हैं, टूरिस्ट बनकर के आप अगर कहीं गए हैं तो आपने
इस बात पर गौर किया होगा कि हमको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, और ये गाइड जो होता है हमें आगे आगे ले चलता है और हर कदम कदम पर हमको नई नई चीजें समझाता रहता है कि ये दीवार पर जो आप आकृतियां देख रहे हैं उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसका अर्थ क्या है, ये कौन से राजा के समय की घटना है, कौन से सन में घटी थी, इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियां। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तो औरंगाबाद के दौलताबाद नाम के एक किले पर गए थे हम लोग, और मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत ज़्यादा फुर्ती से भरा हुआ था और जिस दिशा में चाह रहा था भागता जा रहा था, और मेरी माँ जो थी वो मेरे पीछे पीछे नहीं दौड़ पा रही थी उस गति से, क्योंकि मैं नटखट था, चुलबुला था और बहुत तेज था। अब वहाँ पर जो गाइड्स थे उन्होंने बताया कि ये दौलताबाद का जो किला है ये बेहद भयानक है। अभी तो वहाँ पर जगह जगह रेलिंग्स बनाई गई है, लेकिन उस समय में आप बता नहीं सकते थे कि दो कदम आगे बाद गिर जाएंगे। वहाँ खाई थी और वो खाई में बड़ी गहरी खाई, और उस जमाने में मगरमच्छों से भरी हुई होती होगी जब वो वहाँ का राजा हुआ करता था। अभी भी पता नहीं किस किस प्रकार के कीड़े कुटकुल रहते होंगे, और कई एक जगह बड़ी ऊंचाई की थी, और ऐसे स्थान में परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, मुझको बचाया जब मैं झांक रहा था और मैं देख रहा था कि कितना गहरा है। अब नीचे देखने के लिए मुझे और झुकना पड़ा और झुकना पड़ा, लेकिन जब मैं बिल्कुल गिरने पर था तब अचानक किसी ने मुझे पीछे से थाम लिया। मार्ग में चलते हुए हमें भी बड़ी हड़बड़ी रहती है कि हमें बहुत आता है, हम दौड़ना चाहते हैं, हम आगे निकल जाना चाहते हैं, कभी कभी हम अपने टीचर के आगे निकल जाना चाहते हैं, अपने गाइड से आगे निकल जाना चाहते, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है और वह धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त, देखिए इस बात को हम लोग समझेंगे कि अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्ग पर वो कैसे करके हमको आगे आगे ले चलता है। इस बात को मैंने 7 अलग अलग पॉइंट्स में शॉर्ट कर लिया है, और मैं इन 7 पॉइंट्स को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलना वास्तव में वो धार्मिकता का मार्ग है जिसे परमेश्वर मुझे देता है कि मैं चलता जाऊं। पहला मार्ग है, वो चाहता है कि मैं अपने जीवन को प्रेम के मार्ग पर लेकर के चलूं। प्रभु यीशु से एक बार ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया गया, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में अगर आप देखें तो एक शास्त्री आता है, यानी व्यवस्था का जानने वाला आता है, और वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, व्यवस्था में बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, यानी आज मनुष्यों के लिए सबसे अधिक आवश्यक कौन सी बात है। और प्रभु यीशु उनको बताते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है जो व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय में मैंने बताया था कि परमेश्वर से तू सारे मन सारे प्राण सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम। और उसके बाद में उन्होंने कहा यह पहली आज्ञा है, लेकिन इसके साथ में ये वाली भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। यदि मूसा के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाओं को हम गौर से देखें तो वो दो भागों में बांटी जा सकती है। आरंभ की कुछ आज्ञाएं जो हैं वो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाती है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, विश्रामवार को पवित्र मानना, इस प्रकार से एक खंड है जो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बताता है। लेकिन आप 5वें आज्ञा से 10वें आज्ञा तक जब आते हैं तो संसार में रहते हुए जो हमारा प्रेम है, तो यह मार्ग पुराने नियम से परमेश्वर बताता आ रहा है। कनान में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने पटिया पर लिख करके अपनी हाथों से लिख करके, और जब वो पटिया टूट गई तो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दूसरी बार भी परमेश्वर ने वो ही वाली आज्ञाएं फिर से लिख करके दिया। परमेश्वर से प्रेम करना है और पड़ोसियों से भी अपने जैसे प्रेम करना है, ये नए नियम की आज्ञा नहीं है परंतु पुराने नियम से वरन कनान में प्रवेश करने के पहले अत्यंत आवश्यकता आज्ञा के रूप में दी गई थी।
परमेश्वर तब से चाहता है कि हम प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें, उसके बाद ही तुम प्रॉमिस्ड लैंड में आ सकोगे। मैं और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बड़ी इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या मालूम है कि परमेश्वर चाहता है कि कनान में प्रवेश करने से पहले तुम सीनै के सामने मेरे पास आकर के खड़े हो, मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा। और परमेश्वर मूसा से कहता है, ये बातें ले जाकर के अपनी प्रजा को सुना। मूसा ले जाकर के अपनी प्रजा को सुनाता है कि परमेश्वर ने यह आज्ञाएं दी हैं और सारी प्रजा कहती है हम इसे मानेंगे, और उसके बाद वे लोग कनान की तरफ जाते हैं। तो धार्मिकता के मार्ग पर मेरी अगुवाई परमेश्वर खुद कर रहा है। परमेश्वर ने स्वयं प्रेम का उदाहरण दिया है, मैंने प्रेम किया है, तो मैं तुमको प्रेम करने की आज्ञा जो दे रहा हूं वो किस लिए दे रहा हूं? पहले मैं चल रहा हूं, मतलब मैं अगुवाई कर रहा हूं। मैंने पहले प्रेम को खुद करके दिखाया और उसके बाद में फिर तुमसे कहता हूं कि अब तुम भी प्रेम करो। आपको याद होगा कि हमने जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसके 13वें अध्याय के 34वें वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें अब एक नई आज्ञा देता हूं। और नई आज्ञा जब बोला तो सब लोग एकदम चौंक के, हाँ प्रभु जी बताइए बताइए कौन सी नई आज्ञा है। और फिर उन्होंने यीशु ने कहा प्रेम करो। मैंने आपको ये बात उस समय समझाया था कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि मैं तुमको नई आज्ञा देता हूं, जबकि ये आज्ञा तो पहले से चली आ रही थी और लोगों को मालूम था। कई बार यीशु ने कहा प्रेम करो, लेकिन क्रूस पर जाने से पहले एक बार फिर से बोलते हैं कि तुमको आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, ये एक नई आज्ञा है। और वो वाली आज्ञा में उन्होंने बताया कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है, 15वें अध्याय का 3रा वचन भी गौर से पढ़िएगा, वहां लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम अभी कहां मिलेगा तुम्हें कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। सच्ची दाखलता मैं हूं वाले अध्याय में ये वाला पार्ट आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु ने इतना प्यार किया कि अपने आप को दे दिया। यानी ये धार्मिकता का मार्ग है। प्रेम को ऐसी हल्की बात मत समझिए कि चर्च में आपने किसी से मिला और हाथ मिला लिए, कि कोई आपको मिलता है और आपने उसको गले लगा लिए या उसको चुम्बन ले लिए, ये प्रेम हो गया। प्रभु यीशु ने प्रेम की परिभाषा सरलता से दी है, परमेश्वर ने प्रेम किया, बेटे को बलिदान के लिए दे दिया, बेटे ने प्रेम किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। और यीशु मुझसे आपसे कहता है, यदि तुम धार्मिकता के मार्ग में मेरे पीछे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें भी इस बात की तैयारी रखनी है कि किसी के लिए अपने आप को बलिदान करना होगा। ये पहला पॉइंट था। आइए दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि धार्मिकता के मार्ग में कैसे प्रभु जी हमारी अगुवाई करता है और वो हमसे क्या कहता है। अकेला चलने की तैयारी करना। हम लोग साधारणता क्या करते हैं, भीड़ के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग देखते हैं कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो सारी दुनिया कर रही है वो ही करने के लिए हम लोग चल पड़ते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे सलाह दी है कि ब्रदर ये बातें चर्च में ठीक हैं, जब आप बाहर निकलोगे तो समाज के साथ चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में मैं पाता हूं कि बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहाव के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। आपको मालूम है जो परमेश्वर को साथ लेकर के चलते हैं वे बहाव को भी रोक देते हैं। याजक लोग वाचा का संदूक लेकर के यरदन नदी पे पांव रखे, जिस नदी के कारण वे डर रहे थे कि हम उस पार कैसे जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर की वाचा को लेकर के चलते हैं उनका पांव पड़ा और नदी सूखने लगी, सूखने लगी, सूखने लगी, वे नदी के बीचों बीच जाकर के खड़े हो गए और नदी का बहाव रुक गया। यदि मैं और आप इस प्रकार से ठान लेते हैं अपने मन में कि मैं परमेश्वर के वचन को पकड़ करके चलने वाला हूं, तो ये प्रवाह जो संसार का प्रवाह है, ये दबाव, ये हवाएं, ये तूफान जिसके साथ आपको लगता है बह जाना ही ठीक होगा, ये आप रोक सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि मैं इसके विरोध में हूं और उनको दूर जाना पड़ेगा। और ये उदाहरण भी आप लोग जानते हैं कि जब सारा देश झुक गया था एक बड़ी ऊंची सी मूर्ति के सामने जो एक राजा ने बनवाई थी, तो ये 3 जन अड़ गए कि हम नहीं झुकेंगे। अब देखिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये भी कहा गया कि आग में डाल देंगे, वो नहीं झुके। वो बोले हम फिर से एक मौका देते हैं, झुक जा, नहीं झुकेंगे। और उसके बाद राजा क्रोधित हुआ, बोला भट्टी को 7 गुना भड़का दो। ये 3ों ने बोला हम नहीं झुकेंगे। सारा देश झुका हुआ है। सोचिए, पूरे देश, हजारों करोड़ों सब लोग
130 करोड़ लोग झुक गए हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्तों ने कहा हम अकेले चलने को तैयार हैं, हम नहीं झुकेंगे, हम इस भीड़ के साथ में नहीं चलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात आती है तो यह धार्मिकता का मार्ग होता है। यह धार्मिकता के मार्ग में प्रभु यीशु आगे खड़ा है। अब आप सोचिए, अगर प्रभु यीशु झुकते होंगे तो आप झुकिए। अब नबूकदनेस्सर की बनाई हुई उस मूर्ति के सामने इन तीनों ने अपने सामने प्रभु यीशु को देखा और वे देखते हैं मेरा यीशु, मेरा चरवाहा, वो नहीं झुकता है, मैं भी नहीं झुकूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे लेकर के चल रहा है, जैसा वो करेगा वैसा ही मैं भी करूंगा। और वे नहीं झुके। और यही कारण है कि जब ये तीनों भट्टी में डाले गए थे तो वो जिसको फॉलो कर रहे थे वो उनके साथ में भट्टी में जाकर के खड़ा हो जाता है। मुझको तो ऐसा लगता है कि इन तीनों को भट्टी में डालने से पहले प्रभु यीशु पहले से उस भट्टी में पहुंच गए थे और जब वे फेंके गए तो उनका स्वागत किया होगा, आओ बेटो, आओ भाइयों, मुझको बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात को माना है। धार्मिकता का मार्ग बेहद कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के कारण उसके पीछे चलते हैं तो आप उसका फल पाते हैं। तो दो बातें हमने देखें, पहला है प्रेम का मार्ग, दूसरा है अकेले चलने की तैयारी हमको रखना है जब दुनिया भी विरोध कर रही हो। तीसरी बात, अधिकार से ज्यादा मुझे अपने कर्तव्यों की सोचना चाहिए। अधिकार से ज्यादा जब मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने लगता हूं तो मैं अधिकारों की बात करने लगता हूं, यानी मैं अब अधिकारी बन गया, मैं राजा बन गया, मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा में शामिल हो गया और मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार आ जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, मैं परमेश्वर की संतान बन गया। अधिकारों की सूची पहले बना लेते हैं अपने सामने, लेकिन धार्मिकता का मार्ग जो प्रभु यीशु ने बताया वो है अधिकार बाद में चले आते हैं, पहले अपने कर्तव्यों को जान ले। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम अधिकार की बात भी ना करें। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय और उसके 24वें वचन में से पढ़कर के बताता हूं। यहां पर प्रभु यीशु ने पीछे चलने के लिए, देखिए धार्मिकता का मार्ग, यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, चेलों से क्या कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी तुम मुझको चरवाहा बोल रहे हो, तुम अपने आप को भेड़ बोल रहे हो, मतलब मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, तो मेरे पीछा चलना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखो, अपने आप का इनकार करो। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलने लगते हैं तो अधिकार करके हम अपने आप को सीना तान करके मानो मैं हूं। प्रभु जी ने कहा मेरे पीछे आ रहे हो तो सबसे पहले इस मैं हूं को ही खत्म कर डालो जो अब तक तुम में था, और जो मैं हूं स्वर्ग में विराजमान है उस मैं हूं को यहां पर विराजने दो। तो सबसे पहले अपने आप का इनकार कर दे, और फिर उसके बाद में दूसरी बात है कि क्रूस को उठाए, और फिर तीसरी बात उसके बाद मेरे पीछे चले। अर्थात क्रूस को उठाने की जब बात बोल रहा है इसका मतलब मजा नहीं है, मतलब आराम आराम नहीं है, क्रूस को उठाना है। यदि आप क्रूस की तरफ देखें तो आपको मालूम है कि उस जमाने में सबसे दर्दनाक, शर्मनाक और न जाने क्या क्या शब्द बोलूं, सब कुछ उस क्रूस में दिखाई देता है कि कितना भयानक मौत हुआ करती थी। तड़पा तड़पा करके, यानी थर्ड डिग्री भी क्या बोले, उसको 30 डिग्री का कुछ सतावट बोलना पड़ेगा, उस तरीके से सता सता करके मारा जाता था। प्रभु यीशु कहते हैं क्रूस उठाने की तैयारी है क्या? हम लोगों को सब हरा भरा दिखता नहीं क्या? यहोवा मेरा चरवा, हरी हरी चराइयों में। जब हम धार्मिकता का भी मार्ग बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सोने की सड़कों पर चलने के लिए बुला रहा है, लेकिन यीशु ने कहा मेरे पीछे आ रहा है तो एक बात ध्यान रख, क्रूस उठा के आना। क्रूस उठा करके आने से आप समझ जाओ कि कांटों पर चल के जाने का है, कांटों पर चलते हुए प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाने का है।
यानी मेरा और आपका जो रास्ता है, जो तय हम लोगों को करना है कनान में पहुंचने से पहले, स्वर्ग राज्य में पहुंचने से पहले, यह बहुत आसान रास्ता नहीं है। क्रूस उठा के चलना है। और तो और ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिदिन, संडे टू संडे वाला धर्म की बात नहीं कर रहा है कि संडे को बहुत से लोग एकदम सुधर जाते, सुबह उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे और तैयार हो जाएंगे और चर्च जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, जोर जोर से गीत गाएंगे। ये वन डे वाली जो धार्मिकता होती है वो नहीं, धार्मिकता के मार्ग पर रोज लिए चलता है वो वाला शब्द है ये। प्रभु यीशु हमसे कह रहा है कि हमें उसके पीछे पीछे चलने का है। मैं जब कॉलेज में था तब नागपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनका नाम था जाल पी गिमी, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे ये। और उस समय एजुकेशन सर्कल में सबसे बड़ी पोस्ट वे रखते थे। और एक बार एक फंक्शन में जब वो कॉलेज में बुलाए गए थे और उनको समय दिया गया था कि 9 बजे पहुँचे, और उसके बाद में कॉलेज का गैदरिंग का ओपनिंग डे था शायद वो होने वाला था, उस दिन वे निर्धारित समय के 1 मिनट पहले पहुंच गए। और आपको जान के अचरज होगा कि व्यवस्थापकों को लगा कि सब कुछ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चलेगा, और वे लोग इधर उधर घूमते रहे। वो बेचारे अपनी कार से उतरते हैं और चुपचाप उस पेंडोल में आए और इधर उधर देखा और आ करके एक कुर्सी पर बैठ गए। और उसके बाद में जब आयोजकों को पता लगा, जिसमें कुछ टीचर्स भी थे, लेक्चरर्स थे और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे, वो बेचारे बड़े शर्मिंदगी महसूस करे उन्होंने और जाकर के गिमी सर को सॉरी कहा उन्होंने। फिर उसके बाद उनको स्टेज पर बैठाया, और स्टेज पर बैठाने के बाद जब उनकी पारी आई तब सब लोग सहम गए कि अब ये पक्का हमारी धुनाई करेंगे और हमको डांटेंगे और कुछ ना कुछ। बड़ा ताज्जुब हुआ सब लोगों को कि उन्होंने उस बात का जिक्र ही नहीं करा कि मैं सुबह से आकर के तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ, टाइम पर मैं आ गया, मेरे को रिसीव करने नहीं आए, मेरे को गार्लैंड नहीं पहनाया, मेरे को रास्ते में फूल नहीं टपकाए, और मेरा कुछ नहीं। उन्होंने इस प्रकार की बातें बोला, लेकिन स्टूडेंट्स को एक बड़ा सुंदर एक मोटिवेशनल मैसेज दे करके वो 10-15 मिनट के बाद में शांत हो गए और वापस आके अपनी जगह पर बैठ गए। बच्चे और जवान और लेक्चरर लोग और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगे। वो बहुत अच्छे से डांट सकते थे इन सब बातों के विषय में, कुछ नहीं तो कम से कम पंक्चुअलिटी के कारण ही डांट सकते थे लोगों को कि तुम जवान बच्चे अगर ऐसा नहीं करोगे तो। लेकिन वो भी उन्होंने नहीं बोला। उनके पास में ये अधिकार था, परंतु उन्होंने इस बात को बखान कर नहीं बताया, चिल्ला के नहीं बताया, डांट के नहीं बताया, लेकिन बिना बोले ही सब कुछ कर गए। उन्होंने केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे एक मुख्य अतिथि बनकर आए थे, मुख्य अतिथि का भाषण उन्होंने दिया और चले गए। लेकिन जो नहीं बोला वो सारे कॉलेज के 1000 स्टूडेंट्स ने सुन लिया और सबके सर शर्मिंदगी से झुके थे। मसीही जीवन में मैंने और आपने अगर अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू कर दिया, आज ये भारत देश बदल जाएगा। प्रत्येक मसीही व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखे कि वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान होने के अधिकार है। इस बात को लाउडस्पीकर पर ना बोले, परंतु परमेश्वर की संतान को क्या करना चाहिए वो करें। प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहते हैं, वो परमेश्वर की संतान होने का पूरा पूरा उदाहरण देता है। इसीलिए वो अगुआ है हमारा, हमारे आगे आगे चलता है, और प्रभु यीशु को देखते देखते ही हमें आगे आगे चलना है। एक छोटा सा उदाहरण और बताना चाहूंगा, और ये भी एक सच्ची घटना है। किसी चर्च में कुछ चर्च के मेंबर्स बड़े गुस्सा हो गए। किस लिए? कि जब भी हम चर्च के अंदर आते हैं हमारी कुर्सियां पोछी नहीं जाती हैं, हम लोग चर्च को पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कम से कम एक नौकर रख करके इनको साफ सुथरा तो करवा दो। अब चर्च कमेटी के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो किसी बैरर को रखते या किसी सेवक को एम्प्लॉय करते, तो वो सोच में थे कि ठीक है हम कुछ समय में बताएंगे। अगले संडे जब लोग आते हैं तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, कितनी चकाचक है सारी कुर्सियां, और वो देख करके बड़े अच्छे से बैठ गए और कमेटी वालों को थैंक यू भी बोला उन्होंने। कमेटी वालों को पता ही नहीं चला कि थैंक यू किस बात का बोले। लोग चले गए, अगले संडे फिर से आए और फिर देखे कि अरे वाह, सारी कुर्सियां चकाचक हैं, डस्टिंग हो गई है और फ्लोर भी बिल्कुल साफ है, ऐसा लग रहा था झाड़ू पोछा भी हो गया है। उस चर्च में
एक करीब 70 या 75 साल का एक विधुर व्यक्ति था। विधुर मतलब एक ऐसा मैन था जिसकी पत्नी नहीं थी। जैसे विधवा होती है पति के मर जाने के बाद में, उसे विधवा कैसे हैं, वैसे ही पति की अगर पत्नी मर जाए तो वो विधुर कहलाता है। तो ये विधुर था, उसके पास में पत्नी नहीं है, उसके पास में बच्चे नहीं हैं, परंतु ये चुपचाप चर्च में आकर के पीछे की सीट पर बैठ जाया करता था। और जिस दिन ये सब झगड़ा चल रहा था उस दिन वो सुन रहा था कि लोगों को अच्छी कुर्सियों पर बैठने की इच्छा होती है। अगले संडे से उसने चुपचाप से 1 घंटा पहले चर्च में आ जाता था और अपने घर से ही कपड़ा टॉवल जो भी रहता था वो लेकर आता था और एक एक कुर्सी, एक एक बेंच, एक 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 सारे फर्नीचर्स को पोछ करके चकाचक करता और उसके बाद में चुपचाप से जाके अपनी सीट पर बैठ जाता। जब तक कि पहला व्यक्ति आता उसका पूरा काम हो जाता। लेकिन ये घटना उस चर्च के पास्टर ने एक दिन चर्च में बोल करके बताया कि यहां पर हम लोग आकर के अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठ जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे सेवकों को खड़ा करता है जो दिखाई भी नहीं देते और आकर के सेवा करके चले जाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, पर अधिकार से ज्यादा वो कर्तव्यों को पूरा करते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू कर देंगे तो हम धार्मिकता के मार्ग पर उसके पीछे चलने वाले बन सकते हैं। 3 बातें बताया मैंने, प्रेम के मार्ग पर चलना है, दूसरा दुनिया ना भी चले तो मैं अकेला सामने बढ़ता रहूंगा, तीसरी बात यह है कि अधिकार से ज्यादा मुझको अपने कर्तव्यों को पालन करना है, यह धार्मिकता मार्ग है। 4th बात जो हम लोग धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए होते हैं वो है कि स्वामी बनने की बजाय सेवक बनना है। ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता उदाहरण है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत परमेश्वर के हैं ना, तो हम लोग राजसी लोग हैं, हम लोग बड़ी खानदान के लोग हैं और इसलिए हम लोग स्वामी हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है, मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लेकर के चलता हूं कि प्रभु यीशु ने इस बारे में सीधे कुछ हमसे बात कही। मत्ती 20:26-28, तुम में ऐसा नहीं होगा, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आपको मालूम है प्रभु यीशु इस प्रकार से क्यों सिखा रहे थे? प्रभु यीशु के चेले आपस में अक्सर लड़ लिया करते थे, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और इस प्रकार की बात जो बोलते हैं वो वास्तव में आपको मालूम है किस घटना के बाद में हुई थी? यहां पर एक 20वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि एक मम्मा रहती है, वो मम्मा आती है और यीशु को बोलती है कि जब तेरा राज आ जाएगा तो मेरे एक बेटे को यहां और एक बेटे को, मतलब दाहिने बाएं, तेरे सिंहासन के दाहिने बाएं बैठा देना। बहुत अच्छी बात है यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वर्ग राज्य में बड़ी जगह पर बैठे, लेकिन तरीका यह नहीं है कि मांग लिया कि प्रभु जी मैं तेरे राइट और मैं तेरे लेफ्ट बैठूंगा। प्रभु यीशु ने कहा अगर लेफ्ट और राइट में बैठना चाहते ही हो तो सेवक बन करके काम करना पड़ेगा। मसीह जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं इस बात को प्रार्थना में भी मत मांगो कि प्रभु जी तेरे राइट में बैठने दे, तेरे लेफ्ट में बैठने दे। उस समय तो चेलों ने वो जब्दी के बेटों को डांट दिया, याकूब और यूहन्ना को बोल दिया, लेकिन बाद में लिखा है चेले आपस में ही झगड़ने लगे, मैं बड़ा कि तू बड़ा। और इसी घटना के बाद में आपको मालूम है प्रभु यीशु ने उनके पांव को धोया था। प्रभु यीशु ने इस बात को करके दिखाया, मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं परंतु सेवा करने के लिए आया हूं, और प्रभु यीशु ने इस रीति से किया। 5वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे, धार्मिकता के मार्ग पर चलने का मतलब होता है कि मैं कभी नहीं पूछूंगा मेरे साथ क्यों, Why me? मैंने बहुत से मसीह परिवारों में देखा है
और अच्छे अच्छे विश्वासी लोगों के मुंह से ये बात निकल जाती है और वे कह पड़ते हैं कि प्रभु जी मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, एज इफ की सारी दुनिया की परेशानी उस अकेले व्यक्ति के ऊपर आ गई है और इसी के लिए वो उदास हो जाता है। मैं आपको पौलुस प्रेरित की उस पत्री में ले चलना चाहता हूं जिसे आनंद की पत्री कहते हैं, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका तीसरा अध्याय और 7वें और 8वें वचन को देखिए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मैं जब तक अपने में था, अपनी बुद्धि से चलता था, मेरी समझदारी से चल रहा था, मुझको लगता था ये सारी चीजें मेरे फायदे की हैं, लेकिन जब मैंने धार्मिकता का मार्ग लिया, जब मैंने यहोवा को चरवाहा बोलकर उसके पीछे चलना शुरू किया, तो मैं जान गया कि हाय ये तो सब हानि की है, जिनको कल तक मैं फायदे की समझ रहा था वो सब नुकसान की निकली। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाया और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आप अंदाज लगाइए, जिस चीज से आज बहुत प्रेम हो गया है उसको कूड़ा समझना। कूड़ा मतलब, मैंने देखा है लोगों को जब कूड़ा करकट के पास से निकलते हैं ना, वो देखते भी नहीं है, और अगर नजर पड़ ही गई अचानक तो वहां थूक देते हैं, ये होता है कूड़ा। तो जब आप अपनी उन आज की प्रिय लगने वाली सांसारिक चीजों को थूक देंगे, कूड़ा समझेंगे, उस दिन आप मसीह के एक कदम और पास आ जाते हैं। हम लोग अपने जीवन में देखिए, 4वें अध्याय के 11वें वचन में भी लेकर के चलता हूं, फिर बताता हूं। मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। बीमार पड़ गए, संतोष के साथ। नुकसान हो गया कुछ, संतोष में है। किसी ने सताया, कुछ चुरा लिया, फिर भी संतोष में हूं। मैं जिस अवस्था में हूं परमेश्वर के कारण मैंने सीख लिया कि उसी में संतोष करूं। तनख्वाह मेरी जितनी है संतोष करूं, जितना मैंने पाया और जितना आज खाने को मिल रहा है उसमें संतोष करूं। मैंने सीख लिया है कि जिस दशा में मैं हूं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में सब प्रकार की परिस्थितियों को आने देता है, और मेरे जीवन के उतार और चढ़ाव में, मेरे जीवन की गरीबी और संपन्नता में, मेरे जीवन में बीमारी और स्वास्थ्य में, हर परिस्थिति में मैं जब प्रभु को सामने देखता हूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं खुश हूं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जब जब मैं दुर्बल होता हूं तब तब बलवंत भी हो जाता हूं। 19वें वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं फिर से एक बार बता दूं, उस दिन हमने मनन किया था सारी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रभु जी हमारी सारी आत्मिक घटियों को पूरा करना चाहता है, और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत सारी आशीषें प्राप्त होती है। आप इफिसियों का पहला अध्याय पढ़िएगा, मसीह के द्वारा हमारी कौन सी घटियां पूरी हो जाती हैं। मैं आपको इब्रानियों के 12वें अध्याय में भी लेकर के चलना चाहता हूं। कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तब ये शब्द बोलते हैं, प्रभु जी मेरे ऊपर क्यों, मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ में बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं। तो जिस तकलीफ में से हम गुजर करके अक्सर बोल पड़ते हैं, प्रभु जी क्यों, मेरे ऊपर क्यों, उस समय वास्तव में आपको प्रभु को धन्यवाद देने का है, प्रभु जी मैं क्यों नहीं,
मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरा परमेश्वर का संतान कहलाऊं, मैं प्रभु का पुत्र हूं। और जो पुत्र होता है पिता उसकी ताड़ना करता है। तो पांचवी बात जो है वो कभी मत पूछिएगा कि प्रभु जी मैं ही क्यों। छठवीं बात, धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जानता हूं कि आप इस वाक्य से समझ गए कि आप प्रभु यीशु को देखने लगे हैं। प्रभु यीशु ने यही वाक्य कहा था जब उसके सामने मृत्यु का प्याला बस थोड़े ही घंटों में मिलने वाला था, और वो गतसमनी के बगीचे में है, बड़ा व्याकुल है, बहुत बहुत परेशान है, उसके चेलों ने तक उसको छोड़ दिया है, और जो चेले उसके साथ में उस बगीचे में थे वो सो रहे हैं। यीशु ने बार बार जाकर के उनको बोला जागो और प्रार्थना करो, लेकिन कोई जागने को तैयार नहीं। आप सोचिए कितना अकेला पड़ गया था प्रभु यीशु, और उस समय उसको मौत की बात कि तुझको कुर्बान होना है, बलिदान होना है, और इतनी भयानक तड़पाने वाली मौत तेरे सामने है, और उसके मुंह से निकल पड़ता है प्रभु जी क्या ये प्याला अलग नहीं हो सकता, दूर नहीं हट सकता, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके आगे चल करके मेरी और आपकी अगुवाई किया है कि धार्मिकता के मार्ग में जब हम चलेंगे तो इस बात को ध्यान में रखें कि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से चलूं। धार्मिकता का मार्ग मर्जी से चलना नहीं होता है परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से होता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष भी पाते हैं। प्रभु यीशु ने भी आशीष को पाया, मनुष्यों ने भी अपने जीवन में बहुत सी आशीषें पाए। लूका के 5वें अध्याय में मैं देखता हूं पतरस की इच्छा नहीं थी कि वो गहरे में जाए और गहरे में जाकर के जाल डाले। देखिए रात भर मेहनत की, उसने क्या कहा, रात भर मेहनत की। इसका क्या मतलब, मैं बहुत थका हुआ हूं प्रभु जी, मेरे कंधे बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, नहीं हिम्मत। और आप कह रहे हैं कि गहरे में जाए, मतलब और लंबा रहा जाए। और अगर आपने कभी नाव खेई है तो आपको मालूम है कि कंधे कितने दुख जाते हैं, और वो नाव खेते खेते गहरे तक जाना है और उसके बाद जाल उठाना है। जाल में मेटल के धातु के, सीसा धातु, वो भी लेड के टुकड़े लगे होते हैं, और उतना भारी उठा के तू बोलता है मेरे को डालूं, मेरी तो इच्छा नहीं है। 5वां वचन पढ़िएगा वहां क्या लिखा है, तो भी इसलिए कि तू बोलता है, पतरस ने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है परंतु इसीलिए कि तू बोलता है मैं करूंगा, अर्थात मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और ऐसा जब वो करता है तब उसके जीवन में आश्चर्य कर्म होता है। जब हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो कठिन रास्ता जरूर आएगा, और ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा जो मेरी और आपकी इच्छा की बात नहीं है, लेकिन जब हम उसको करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे कहा तब हम उसकी आशीष को पाते हैं। 2 बहनों के बारे में बताना चाहूंगा, जब यीशु ने कहा था ना कि ये पत्थर हटाओ, आपको मालूम है उसकी बहन ने क्या कही थी, उसकी बहन ने कही प्रभु जी क्या बोल रहे हो आप, मत बोलिए ऐसा, पत्थर हटा के 4 दिन का मर गया है, भैया 4 दिन से मरे हैं और उसमें से तो अभी बदबू आती है, यानी मेरी इच्छा नहीं है कि वो पत्थर हटे, लेकिन प्रभु जी ने बोला हटाना पड़ेगा। और जब वो हटाया गया तब वास्तव में बहने समझ पाई कि कितनी बड़ी आशीष है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। धार्मिकता का मार्ग यही है, जब हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। जब हम इस तरीके से करते, बाइबल में पुराने नियम में भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर उसकी इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने एक जन को काम दिया था और उसने सीधा परमेश्वर के मुंह पे बोला प्रभु जी ये काम किसी और को दे दो ना, प्रभु जी बहुत गुस्सा हो गया था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसको मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने बड़ी अद्भुत तरीके से अपने पति को बचा ली। तो इच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर आपने यहोवा को अपना परमेश्वर माना है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मैं उसके बताए हुए धार्मिकता के मार्ग में उसके पीछे पीछे चलूंगा। और मेरे लिए प्रभु यीशु ने बता दिया है मार्ग यह है कि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु तेरी इच्छा से जीना चाहता हूं, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और ऐसा करके जब हम करते हैं प्रियो तब वास्तव में धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। 7वीं और आखिरी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा जो धार्मिकता पर चलने के लिए है, और वो है धैर्य से आज्ञा पालन करना है। धैर्य से आज्ञा पालन करने का क्या अर्थ होता है, ये तो काफी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे ऊपर वाली बात थी, परंतु ऊपर वाली बात थी कि मेरी इच्छा नहीं है करने की फिर भी मैं करूंगा,
और ये जो सातवां वाला आखिरी पॉइंट है ये है, मेरी इच्छा है करने की पर प्रभु जी आप इतना बड़ा काम देते हैं मेरे से कैसे जमेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा और आज्ञाकारी रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। यह धैर्य से हमें आज्ञा पालन करते रहने का है। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस बात को पाता हूं और यह मुझको फिलिपियों के दूसरे अध्याय के आठवें वचन में मिलता है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। इसके आगे क्या वचन है? प्रभु यीशु यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सहली। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें अर्ली चर्चेस पे जो परसिक्यूशंस हुआ करते थे उसके बारे में पढ़ रहा था और उसमें की एक घटना मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि धैर्य से आज्ञा पालन करना है या मरते दम तक आज्ञाकारी बने रहने का है। और उस समय जब मसीह लोग सताए जाते थे उस समय एक राजा, एक सम्राट हुआ करता था, एम्परर था, और उसका नाम था लूसीनियस। और इसने अपने राज में मसीह का प्रचार बंद करवा डाला था, लेकिन उसकी अपनी सेना में 40 ऐसे सैनिकों को पाया जो प्रभु यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने उसके ऊपर 40 लोगों को मृत्युदंड देने की बात कही और उनके सारे कपड़े उतरवा दिए और बर्फीले पानी में उनको उतार करके रख दिया और उनसे कहा अगर तुम बर्फीले पानी से बाहर आओगे तो बच जाओगे, नहीं तो यही बर्फ के पानी में मर जाओगे। और उसने थोड़े ही दूर पर वहां आग लगा के रखा और उनके लिए गर्म कपड़े लिया और उनके लिए कंबल रखा और ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, तुम आओ और इसको ले लो, लेकिन तुम्हारा बाहर निकलना ये दर्शाएगा कि इसके बाद यीशु के पीछे नहीं चलोगे। और ये 40 लोग उस पानी में उतारे गए, ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में, और उनके शरीर में वो बर्फ की ठंडक धीरे धीरे घुस करके उनके शरीर को जमाने लगी और वो शायद अंदर महसूस करने लगे कि अब हम ना बचेंगे। लेकिन ये 40 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू किया और स्तुति करना शुरू किया। तब अचानक एक हरकत हुई और उनमें से एक सैनिक ने, बल्कि वहाँ जो शब्द लिखे थे पुस्तक में वो लिखा था, उनमें से एक पहलवान, वे सब के सब सेना में काम करने वाले हट्टे कट्टे लोग थे, उसमें से एक पहलवान ठंडे पानी से बाहर निकलता है और अपने आप को पोंछता है और आग में जा करके बैठ जाता है। उन 40 जब रह गए, ये वहाँ आगे लिखा है, राजा ने जिस सेनापति से कहा था इन्हें पानी में उतार दो, वो सेनापति खड़ा होकर के ये सारी बातें देख रहा था, उनको सुन रहा था, और परमेश्वर के आत्मा ने सेनापति के जीवन में काम किया और उस सेनापति ने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार करके फेंक दिए और वो 39वें के साथ में जाकर पानी में कूद गया और 40वां शहीद हो गया। धैर्य रख करके आज्ञा पालन करना। मेरे प्रियो, आज मैंने आप लोगों के सामने इस वचन को कि धर्म के मार्ग पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखिए, धार्मिकता का मार्ग है और उसके नाम के निमित्त है और वो खुद ही इन सातों बातों में उसने पहले उदाहरण दिया, उसने खुद ही इन बातों को दिखाया और फिर अब हमसे कह रहा है मेरे पीछे चलो। जब हम यहोवा मेरा चरवाह कहते हैं, हम उसकी भेड़ बन जाते हैं, उसके पीछे चलना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उसके बताए हुए धार्मिकता के मार्ग पर चलना है, हमें प्रेम के मार्ग को लेकर चलना है, चाहे अकेला ही चलना क्यों ना पड़े चलना है, अधिकार नहीं परंतु हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए चलेंगे, हम स्वामी बन करके नहीं परंतु सेवक बन करके चलेंगे और हम कभी भी नहीं पूछेंगे परमेश्वर से कि हम पर ही क्यों ऐसा, और फिर अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। और सातवीं बात ये कि हम धैर्य से मृत्यु तक आज्ञा पालन करते रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्तुति और जय जयकार के साथ में आपके पीछे आते हैं प्यारे प्रभु, हम आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। आप हमारे अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे आगे आगे चल के एक उदाहरण देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए यीशु के द्वारा प्रभु एक आदर्श रखा है और ये सारी बातें हमने प्रभु यीशु में पाई हैं और इसलिए हमारा कार्य सीखने का आसान कर दिया प्रभु। हम भजन संहिता के 23 के इन अध्याय के एक एक
वचन को इन दिनों में सीख रहे हैं प्रभु, और आप बड़ी अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज इस फेलोशिप में जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, आप प्यारे प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके बुद्धि को स्पर्श करके धार्मिकता के मार्ग पर प्रभु जी आपके पीछे पीछे चलने में अगुवाई करिए। और हे दयालु परमेश्वर, आज इस फेलोशिप में जितने भी लोग प्रभु आपको पुकारते हैं और आपके उस स्पर्श को मांगते हैं प्यारे प्रभु, जिसके द्वारा उनकी आत्मा चंगाई को पाए, जिसके द्वारा उनकी देह बीमारी से छुटकारा पाए, और जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य से वह परिपूर्ण हो जाए। हे दयालु प्रभु जी, आज इन्हें प्रदान कर। यदि कोई आज बीमार होने के कारण नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य उनको स्पर्श करे प्यारे प्रभु जी, ऐसा आप होने दीजिए। हे प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी नए लोग जुड़े हैं, इन सारे लोगों पर आप अपनी कृपा और आशीष को उंडेलिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, वरन पूरे विश्व के लिए प्यारे प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के द्वारा उस चिन्ह को समझें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है, लोग मन फिराएं और प्रभु जी लौट कर आपके पास में आए, अपने पापों की क्षमा पाएं, उद्धार पाएं, जीवन पाएं और प्यारे प्रभु जी अनंतता में प्रवेश करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज के दिन आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बातें की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के सप्ताह के लिए फिर एक बार अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन।